नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम झरोखा में और मैं हूँ आपके साथ सोनाली तोमर। राइजिंग यूथ टॉक विद मनोहर लाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें सीएम मनोहर लाल ने युवाओं के साथ संवाद भी किया है। उन्होंने कहा कि युवाओं की दशा और दिशा ठीक होनी चाहिए। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने युवाओं को मनोहर मंत्र देते हुए जीवन में मार्गदर्शन के लिए सारथी बनने की सलाह भी दी है। साथ ही सीएम ने युवाओं से नशे से दूर रहने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ सरकार लगातार अभियान चला रही है। वहीं सीएम ने जातिगत भेदभाव को समाज का दुश्मन बताया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा एक हरियाणवी एक के नारे के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा युवाओं ने सीएम के साथ संवाद में सीएम विंडो की तारीफ भी की है। सीएम ने भी कहा कि सीएम विंडो में आने वाली 90% समस्याओं का समाधान किया गया है। कहते ना, भगवान कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बन करके और उनको शिक्षा दी, तभी महाभारत का युद्ध कर पाए। तो इसलिए इस आयु के अंदर हमें जरूर कोई ना कोई अनुभवी व्यक्ति का भी साथ ले लेना चाहिए, उनसे उनके मार्गदर्शन में काम करना चाहिए। तभी ध्यान में आया कि टेक्निकल तरीके से आज जमाना टेक्नोलॉजी का है, तो हम इनको यहाँ तक आने ही क्यों दें। उसी के अंदर से एक विचार आया कि हम एक विंडो बनाते हैं ताकि अपने अपने जगह पर, जिला केंद्रों पर, सब डिविजन केंद्र पर या उससे भी नीचे जहां तक व्यवस्था हो सके, ये जो कंप्लेंट है अपनी डाल देता है, कंप्लेंट सेल्फ स्पीकिंग होती है और उसके बाद वो संबंधित विभाग को मार्क हो जाएगी। मार्क होने के बाद उसका जवाब आएगा, हम उसको मॉनिटर करेंगे और समय पर उसका उत्तर नहीं जाएगा तो हमारे यहाँ एक व्यवस्था, पूरी एक सेल बना हुआ है, उस सेल से हम मॉनिटर करके और फिर संबंधित व्यक्ति जिसकी शिकायत है वहां सॉल्व हुई कि नहीं हुई। लोकल लेवल पर हमने हर ब्लॉक में तीन तीन चार चार लोगों को प्रोमिनेंट एमिनेंट सिटीजन इस नाते से बनाया। इस बात का कि पिछले 7 सालों में लगभग 10 लाख लोगों की ऐसी एप्लीकेशन हमारे पास आई हैं और लगभग 90% से ऊपर जिनका सोल्यूशन हुआ है। 2014 में जब मैंने करनाल से चुनाव लड़ा तो एक नारा मेरे मन में आया कि इसी समस्या को हल करना है। मैंने वो नारा दिया था, हरियाणा एक हरियाणवी एक। हरियाणा एक हरियाणवी एक का अर्थ ये है कि हम सब हरियाणा के लोग हैं और हमको हरियाणवी बन करके रहना है, जातिवादी बन करके नहीं कि मैं पंजाबी हूँ, मैं जाट हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं अनुसूचित जाति का व्यक्ति हूँ, मैं कोई बैकवर्ड क्लास का हूँ, गुजर हूँ, यादव हूँ। ये सारी जातियों के लोग अपने अपने तरीके से जिसको कहना चाहिए, इसको वोट के खातिर जो उपयोग करते हैं, जो इन जातियों के लीडर होते हैं वो इन जातियों को वोट के खातिर बांध के रखते हैं ताकि जाति का नाम लेंगे, क्योंकि जाति तो जिसकी है वो तो पैतृक उसका एक, जब जन्म है तो जन्म से जाति है और जन्म से जाति व्यक्ति होती है तो मन में उसे निकलती नहीं है, उसको उभार दो भावनाओं को ताकि उसको अपने जोड़ के रखो। अब वो समाज में आज 21वीं सदी में किस प्रकार की व्यवस्था हमको, राजनीतिक व्यवस्था चाहिए, शासन व्यवस्था क्या चाहिए, विकास कैसा चाहिए, आगे बढ़ना है तो युवा पीढ़ी को कैसे आगे बढ़ाना है, 21वीं सदी की डिमांड कुछ और है। तो ड्रग्स का व्यापार करने वाले लोग जो हैं, इसका जो बिजनेस करने वाले लोग हैं और स्मगलिंग खास करके दूसरे देशों से भी होती है, उसका बड़ा कारण ये कि इसमें पैसा बहुत बड़ी मात्रा में इन्वॉल्व है और वो पैसा कई बार तो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में भी लोग प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार ये दोनों बातें ही हमारे लिए बहुत ही गंभीर हैं, चिंतनीय हैं। इसके लिए हमने एक तो ये किया है कि आसपास के स्टेट्स का मिल करके एक ज्वाइंट एफर्ट ही हमने बनाया है और पंचकुला में ही 8 स्टेट्स का एक कार्यालय, बल्कि उसका आज से 5 साल पहले मैंने स्वयं इनिशिएटिव लिया था, ऐसे सब मुख्यमंत्रियों को और वहाँ के जो पुलिस के अधिकारी हैं उनको बुलाया था, उसमें से बहुत से सुझाव आए थे और वो हमने एक कोऑर्डिनेशन के लिए एक कार्यालय पंचकुला में बनाया है। सभी प्रदेशों का एक एक व्यक्ति वहाँ के बैठता है और उसमें डाटा शेयरिंग होता है, उसमें जो भी कोई एक्टिविटीज जहाँ कहीं चल रही है उनके ऊपर ध्यान रखा जाता है, ज्वाइंट ऑपरेशन होते हैं और साथ ही हरियाणा के अंदर एंटी नार्कोटिक्स ब्यूरो हमने बनाया है और पिछले वैसे तो पिछले क्या जब से शुरू किया है हर महीने बहुत बड़ी मात्रा में और इस प्रकार के जो पदार्थ हैं, नशीले पदार्थ, वो पकड़े जाते हैं और पकड़ने के बाद ऐसे लोगों को सजा भी। राइजिंग यू टॉक विद मनोहर लाल कार्यक्रम के दौरान एक सवाल पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार की कोशिश लोगों की जिंदगी कठिनाइयों को दूर कर आसान बनाना है। इसके लिए सरकार लगातार योजनाएं लेकर आ रही हैं। ऐसी व्यवस्था की कोशिश है कि आने वाले टाइम में आम आदमी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। मैं मनीष, मैं हरियाणा गुरुग्राम सिटी से बिलोंग करता हूँ और सर
मुझे बहुत अच्छा लगा सर आज आपकी बातें सुन के। और सर मेरा आपसे यहाँ पर ये सवाल है कि जो आपका कार्यकाल जो समय है, इसको आने वाला समाज कैसे याद करेगा सर? क्या बात आपने तो भविष्य की बात पूछ ली है। देखिए हमने पिछले 6-7 साल में जो किया, सारी बातें उसमें से मोटी मोटी आपको मैंने बताई हैं कि मेरा हेतु क्या था, मेरे सामने लक्ष्य क्या था और किस सोच के साथ मैंने किया है। इसमें अगर सबसे बड़ी बात कोई की है और जिससे मुझे लगता है कि आज भी लोग याद कर रहे हैं और आने वाले समय भी करेंगे, कि व्यवस्था परिवर्तन का काम हमने किया है। यानी पहले हम देखते थे कि सरकारें बदलती थी, व्यवस्थाएं यूं की यूं रहती थी, व्यवस्थाएं कभी किसी ने बदलने की हिम्मत नहीं की। हमने सरकार में आने के बाद व्यवस्थाएं बदली हैं और सरकार बदली, व्यवस्था भी बदली। व्यवस्था बदलने से आम व्यक्ति का जो जीवन है वो सुलभ हुआ। ईज ऑफ लिविंग का भी अपने आप में एक फैक्टर होता है कि हर आदमी को कितना सुविधा पूर्वक अपने जीवन जीने का अवसर मिला है। भूटान देश ऐसा देश है जहां एक मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है, और इस डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ हैप्पीनेस। और वहां के लोग हैप्पीनेस इंडेक्स को ये समय समय पर नापते रहते हैं। हमारे यहाँ तो इंडेक्स नापता है कभी यानी कभी हमारे पॉपुलेशन राइज का बढ़ता है, कभी सेक्स रेशो का बढ़ता है, कभी इंडेक्स हमारे पैसे का बढ़ता है, मूल्यांकन कभी महंगाई का बढ़ता है, और ये रोज रोज जो खेलने वाले ये क्या होते हैं, कौन से इंडेक्स, शेयर मार्केट का इंडेक्स बढ़ गया घट गया, यानी हम उसी में डूबे हुए हैं। लेकिन भूटान जैसा एक देश, भले छोटा देश है, उन्होंने कहा कि हमारे देश का समाज का व्यक्ति खुश कैसे रहेगा, तो खुशी का इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स वो मेजर करते हैं, उसके कुछ ग्रेडियंट्स बनाए हुए उन्होंने। तो हम भी चाहते हैं कि अपने प्रदेश का व्यक्ति ईज ऑफ लिविंग के नाते कितने यानी रैंकिंग पर है, हम कितने खुश हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था परिवर्तन के काम किए हैं। किसी को उलझन ना आए जीवन जीने में। एक व्यक्ति अपना काम करता है तो अपना काम करने में कठिनाई ना आए, सरकारी काम जो है वो सरकार के पास आए, इसकी बजाय सरकार का व्यक्ति उसके घर जाए। यानी जो परिवार पहचान पत्र की बात मैंने बताई है, मैंने कई इसके टारगेट तय किए हैं। दो उदाहरण बताता हूं आपको मैं। एक टारगेट तय किया है कि अब राशन कार्ड किसी को ना ले जाना पड़े पीडीएस दुकान पर, वो जाए परिवार पहचान पत्र का अपना छोटा सा बता दे, वो अपना डालेगा, उसी में उसकी परिवार की रचना पता लग जाएगी कि आज की डेट में हो सकता है पिछले महीने में एक मेंबर ज्यादा रहा हो, दुर्भाग्य से इस महीने में वो चला गया, तो नंबर कट ही जाएगा उसका। और उसके विपरीत खुशी की बात है कि एक मेंबर का और वृद्धि हो गई घर में, तो जुड़ जाएगा उसी महीने। तो लेटेस्ट उसके परिवार की जो स्थिति है उसके हिसाब से राशन जाओ लेके आ जाओ। और मुझे बताया किसी ने कि कम से कम 2% लोग उसमें फर्जी जुड़े हुए हैं, जो अगर कम हो गए तो बहुत बड़ी बचत भी सरकार की होगी। एक ऐसे ही दूसरा हम तय कर रहे हैं, जल्दी तय हो जाएगा, कि अभी हम 60 वर्ष की आयु का जो व्यक्ति हो जाता है और पति पत्नी अगर दोनों की इनकम 2 लाख रुपए से कम है, तो ऐसे लोगों की पेंशन हम देते हैं 2500 रुपये महीना, जो देश में सर्वाधिक है। पूरे देश में 2500 रुपये महीने की पेंशन कहीं नहीं है। तो जिस दिन उसका सिस्टम बनाएंगे, बन रहा है वो एज की वेरिफिकेशन करने के बाद, कि जिस महीने में वो 60 साल का हो जाएगा उसको फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। उसकी इनकम अगर पति पत्नी की 2 लाख से कम है, क्योंकि वो भी वेरीफाइड हमारे पास, हर साल वेरीफाई करेंगे उसको, और उसकी आयु 60 वर्ष हो गई, अगले महीने से ही 2500 रुपये उसके बैंक में जाना शुरू हो जाएगा। अगर इस प्रकार की व्यवस्था परिवर्तन करेंगे तो इसको जनता याद रखेगी। और आगे हम व्यवस्थाओं का परिवर्तन ऐसा कर देंगे कि इसको अगर कोई उलट करके व्यवस्था परिवर्तन करके फिर वापस पुरानी व्यवस्था पर लाना भी चाहेगा तो नहीं ला पाएगा। सिस्टम ऐसे बना देंगे कोई जनता मारेगी फिर। युवाओं से संवाद के दौरान युवाओं ने पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया को आसान करने के लिए सीएम मनोहर का आभार भी जताया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पहले विदेश में भेजने के नाम पर लोगों से ठगी होती थी, इसलिए सरकार ने पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया को सरल कर दिया है। पहले युवाओं को पासपोर्ट बनवाने के लिए बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, दर बदर भटकना पड़ता था, लेकिन अब पासपोर्ट बनाना घर बैठे जितना आसान हो गया है। जैसे कि आजकल देखा जा रहा है कि उत्तर भारत का युवा विदेशों के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहा है। आपने पासपोर्ट बनवाकर उनका आधा सपना तो पूरा कर दिया,
और आप उसके बाद क्या आपकी सरकार विदेश जाने में भी उनकी किसी प्रकार की सहायता करेगी ताकि उन्हें आगे चलकर किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। बहुत ही एक आपने जो कंसर्न ऐसा विषय उठाया है, इसमें दो तीन बातें मैं अलग अलग से तरीके से बताता हूँ। पहली बात तो यह है कि पासपोर्ट अब केवल आसान प्रक्रिया की ऐसा नहीं है, बल्कि अब जो भी कोई कॉलेज का स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जो भी ग्रेजुएशन कर रहा है और वो अप्लाई करता है तो उसका पासपोर्ट कॉलेज से में ही रहते हुए फ्री ऑफ कॉस्ट ये बना के दिया जाएगा ताकि डिग्री के साथ वो पासपोर्ट भी लेकर के जाए। और ये हमने हजारों की संख्या में ऐसे पासपोर्ट बनवा के दिए हैं। पासपोर्ट बनाने के बाद बहुत सी ऐसी एजेंसीज हैं जो इन युवकों को प्रलोभन दे करके पैसे लेकर के विदेश भेजने का झांसा देती हैं और बिना प्रक्रिया के उनको जो वो भेजते हैं वहां जाकर उनको कठिनाइयां आती हैं। किसी को वीजा की कठिनाई आती है, किसी को वीजा एक्सपायर होने के बाद वो एक्सटेंड नहीं होता, कई बार तो बिना वीजा के भी इलीगल तरीके से और विदेश में वो लोग भेज देते हैं, वहां जाके छोटा मोटा काम कराते हैं और मजबूर होकर के फिर वो वहीं पर ही रह जाते हैं, उनको बड़ी मुश्किल आती है। इस काम के लिए भी हमने जितने भी इलीगल काम करने वाले हैं उन सब की धरपकड़ शुरू की है। काफी ऐसी एजेंसीज हैं वो उन्हें पकड़ी हैं। अब हमने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, वो है फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट। सरकार का फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट बनाया है, वही डिपार्टमेंट एक नई एजेंसी भी अपनी बनाएगा ताकि ऐसे युवक हमारी सरकारी एजेंसी के माध्यम से यदि जाएंगे तो उसके सारे डॉक्यूमेंट, सारी फॉर्मेलिटीज, सारे जितने भी सिस्टम है उसको ठीक करके भेजेंगे ताकि वहां जाकर के उसको कोई कठिनाई ना आए, बल्कि जिन देशों में भेजेंगे उन देशों की सरकारों के साथ यही एमओयू करेंगे, एमओयू करने के बाद इनको भेजेंगे ताकि युवक का किसी प्रकार से उसका शोषण ना हो और वो कठिनाई का सामना ना करना पड़े, एक हम ये कर रहे हैं। दूसरा, जिन जिन देशों में जिस भी प्रकार की वर्कफोर्स की जरूरत है उनके साथ पता करके, और हमने स्किल, हमारी जो यूनिवर्सिटी है स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी पलवल में है, उसके माध्यम से वैसे ही कोर्सेज करा करके उनको ट्रेंड करेंगे और ट्रेनिंग के बाद उनको भेजेंगे ताकि वहां पर उसको एक अच्छा ठीक काम मिल जाए। तो ये भी हम अपने हरियाणा प्रदेश के युवकों को एज एनआरआई वो वहां रहें जाए, उनको कोई कठिनाई ना आए, इस प्रकार की बात भी हम सब उसमें से कर रहे हैं। गुरुग्राम दौरे पर पहुंच रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक्शन मोड में दिखाई दिए। सीएम ने शनिवार देर रात एमसीजी ऑफिस सेक्टर 39 में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रात में सफाई करने वाली गाड़ियों के बारे में भी जानकारी ली है। इसके अलावा उन्होंने नगर निगम में भी औचक निरीक्षण किया है। देखिए, कुल मिलाकर के रात्रि की ड्यूटी जिन कार्यालयों में रहती है उनको देखने के लिए मैं निकला था, और जैसे एमसीजी की रात्रि की सफाई की जो मशीनें हैं नाइट स्वीपिंग की, 13 स्थानों पर मशीनें चलती हैं, लेकिन उसमें अभी वहाँ पर व्यवस्था तो नहीं मिली थी। बाद में उन लोगों ने बताया कि सब अपने अपनी जगह पर चल रही थी, आज सुबह मुझे दिखा करके गए हैं और सारी जो स्वीपिंग की मशीनें अपने अपने स्थान पर रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक चलती हैं। इसी प्रकार से जो ICC का ICCC का जो कमांड सेंटर है वहाँ पर मैं गया था, और वहाँ खास करके जो ट्रैफिक की व्यवस्था, सब कैमरे चालू हैं कि नहीं है, लगभग 200 कैमरों का जो विजुअल है उन्होंने मुझे दिखाया, और ऐसे जो वाहन थे जो चोरी किए हुए वाहनों के नंबर जो वहाँ रिकॉग्नाइज होते हैं, तो 32 ऐसे वाहनों की रिपोर्टिंग दिन भर की गई थी और जिसमें से कुछ वाहन पकड़े भी गए। तो इस प्रकार से एक अच्छा प्रयोग वो सब चल रहा है, लेकिन और भी मैंने उसको कुछ सुझाव दिए हैं। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में सूखा राहत और बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में DPCM दुष्यंत चौटाला और कृषि मंत्री JP दलाल भी मौजूद रहे। बैठक में 494 करोड़ की 320 नई योजनाओं को पास किया गया है। सीएम ने जानकारी देते हुए कहा कि जलभराव वाले इलाकों के लिए विशेष योजनाएं हैं। उन्होंने कहा कि 650 करोड़ का मुआवजा बांटा जाएगा। भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, दादरी में पानी की कमी है, इसलिए इन जिलों में 221 करोड़ की योजना बनाई गई है। साथ ही हिसार, बरवाला में जन स्वास्थ्य विभाग की 2 योजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। सीएम ने आगे ये भी कहा कि ड्रेन में जाने वाले पानी के रियूज पर भी जोर होगा।
तो आपको बता दें कि सूखा राहत और बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक हुई और काफ़ी ज़्यादा अहम ये बैठक मानी गई है। इस पर तमाम योजनाओं के बारे में भी बताया गया है सीएम द्वारा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है और काफ़ी ज़्यादा अहम ये बैठक मानी गई है। सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में प्रशासनिक सचिवों के साथ हाई लेवल मीटिंग की है। बैठक में 6 प्रमुख विभागों की 100 करोड़ रुपए से अधिक की 21 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि इस साल ज्यादातर परियोजनाएं लागू हो जाएंगी। बैठक में सीएम मनोहर लाल ने प्रशासनिक सचिवों को प्रत्येक योजनाओं का PERT चार्ट तैयार करने के दिशा निर्देश भी जारी किए ताकि परियोजनाओं को गति मिल सके। प्रदेश में बनाए जा रहे मेडिकल यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज की निर्माण गति की समीक्षा करने के लिए अलग अलग मॉनिटरिंग कमेटी बनाने के भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में विकास की गति को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। वहीं मुख्यमंत्री ने नर्सिंग की गुणवत्ता में सुधार के लिए नर्सिंग कॉलेज की मैपिंग करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गणतंत्र दिवस पर कहा कि हरियाणा का देश की आजादी और सरहदों की रक्षा में अहम योगदान रहा है। अंबाला की वीरभूमि से भी स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी जली। सरकार ने अंबाला में शहीदों को समर्पित वॉर मेमोरियल बनाने का फैसला लिया है। देश पर मर मिटने वाले शहीदों के खून से पवित्र हुई इस भूमि को मैं शत शत नमन करता हूँ। यहाँ से उठी चिंगारी ने न केवल प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का रूप धारण कर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किया, बल्कि आगे चल करके ऐसा विशाल जन आंदोलन खड़ा कर दिया जिसके बलबूते हम 1947 में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने में सफल रहे। अंबाला की इस वीर भूमि पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीदों की याद में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भव्य शहीदी स्मारक बनाया जा रहा है। ग्रस्त 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को बूस्टर डोज भी लगाई जा रही है। इस अवसर पर मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि जिन लोगों ने वैक्सीन की एक डोज ली है वे अपनी दूसरी डोज भी समय से लगवाएं। अपने आसपास रहने वालों को भी इसके लिए प्रेरित करें। हम दवाई के साथ साथ कोविड प्रोटोकॉल का भी कड़ाई से पालन हमें दवाई के साथ साथ कोविड प्रोटोकॉल का भी कड़ाई से पालन करना है, तभी हम इस महामारी को हराने में सफल हो पाएंगे। असली गणतंत्र वह है जिसमें लोगों को मांगना ही ना पड़े, बिना मांगे उन्हें उनका हक मिले, और इसलिए हम परिवार पहचान पत्र लेके आए ताकि लोगों की जरूरत को समझकर उन्हें सुविधाओं और सेवाओं का लाभ दिया जा सके। यदि कोई व्यक्ति वृद्धावस्था पेंशन के लिए निर्धारित आयु पूरी कर लेता है तो उसकी पेंशन अपने आप शुरू हो जाएगी। अब जन्म मृत्यु का डाटा भी ऑटो अपडेट हो जाएगा। सभी सरकारी योजनाओं और सेवाओं को परिवार पहचान पत्र के पोर्टल के साथ जोड़ा जा रहा है। इस वर्ष 611 सरकारी सेवाएं इसके जरिए ऑनलाइन मिलनी शुरू हो जाएंगी। आयुष्मान भारत योजना के तहत 27 लाख गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का वार्षिक मुफ्त इलाज करवाने की सुविधा ये भी दी गई है। BPL परिवारों के कमाने वाले सदस्य की कोरोना से मृत्यु होने पर 2 लाख की आर्थिक सहायता दी जा रही है। COVID-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास और सहायता के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना ये शुरू की गई है। इसके तहत प्रति बच्चा 2500 रुपये मासिक ये मदद दी जा रही है। प्रदेश में सभी तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2500 रुपये मासिक। हिसार एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर दिल्ली में अहम बैठक हुई है। DPCM ने बताया कि गैस बॉटलिंग प्लांट को शिफ्ट करने और हिसार एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट तक हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी को लेकर के भी इसमें चर्चा की गई है। रनवे कंप्लीट हो गया, हमारा टर्मिनल कंप्लीटेड है, टैक्सीवे कंप्लीटेड है। मैं ये मानता हूँ कि रनवे अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी इंस्पेक्ट करके हमें सितंबर तक हैंडओवर कर देगी नेविगेशनल इक्विपमेंट्स के साथ, तो अक्टूबर के अंदर हम हमारी तीनों रीजनल फ्लाइट्स को दोबारा
चालू कर पाएंगे और उस दौरान उड़ान के अंदर हम नए रूट्स को भी अप्रूव करवा पाएंगे। हाई स्पीड ट्रेन कनेक्टिविटी हम चाह रहे हैं कि एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट बने, उसके लिए हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन और रेलवेज के अधिकारियों के साथ भी बैठक हुई। दो फिजिबिलिटी हमने चेक करवाई है, एक एग्जिस्टिंग जो हमारा ऑर्बिटल कॉरिडोर बन रहा है उसके साथ जोड़कर रोहतक महम लाइन को हम जोड़े स्ट्रेंथन करें, और दूसरा एक ग्रीन फील्ड काइंड ऑफ प्रोजेक्ट जो हमारी फारूक नगर तक लाइन है उसको और आगे झज्जर तक बढ़ाकर झज्जर रेवाड़ी रोहतक जो रेलवे लाइन है उसमें मर्ज कर उसको एक और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और एयरपोर्ट कॉरिडोर हम बनाएं। तो रेलवे ने 15 दिन का समय मांगा है कि उसके ऊपर भी DPR बनाकर वो देने का काम करें। आज कार्गो हैंडलर्स, फ्रेट कैरियर्स और उनके साथ में जो एजेंट्स, इन तीन अलग ग्रुप्स के साथ बैठ के हमने करी और प्राइमरी तौर पर यही सजेशन भी आया इंडस्ट्री का और स्टेट के बेनिफिट के लिए भी है कि अब हिसार एविएशन हब में कम से कम 100 से 200 एकड़ जमीन में डेडिकेटेड कार्गो हब हम बनाने का काम करें और उसके लिए इंडस्ट्री से जो इनके प्रोसेसेस होते हैं उसके ऊपर भी हमने व्यू पॉइंट मांगे हैं। और साथ में जो सबसे नई चीज हम प्लान कर रहे हैं कि हरियाणा के अलग अलग कोणों में फ्रेट क्लियरेंसेस कस्टम्स की हो जाए, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए कि दिल्ली का कार्गो भी हरियाणा में क्लियर होकर वहीं से ही शिप होने की तैयारी में। इसके लिए हम जल्द गुड़गांव में, सोनीपत में और झज्जर में दिल्ली के चारों तरफ डेडिकेटेड सेंटर्स बनाएंगे जिन सेंटर्स पे कार्गो क्लियरेंसेस शुरू, जिससे स्टेट का भी रेवेन्यू बढ़ेगा और कार्गो शिपिंग कंपनीज को भी उसका लाभ मिलेगा कि एक्सपेडिशियसली हम कार्गो एक्सपोर्ट कर पाएंगे। आज एक कंपनी ने अपना प्रपोजल दिया है जो खुद अपने कॉस्ट पे 25 एकड़ जमीन पे MRO बनाने का काम करना चाहती है, जिसमें जो वर्ल्ड के लार्जेस्ट वाइड बॉडीज एयरक्राफ्ट हैं उनकी भी मेंटेनेंस जो आज तक इंडिया में नहीं होती वो चाहते हैं कि हिसार की धरती पर लेकर आए। और मैं तो ये मानता हूँ कि हरियाणा के लिए एक ऐतिहासिक कदम होगा कि वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस भी, जिसके लिए आज उनको सिंगापुर जाना पड़ता है, दुबई जाना पड़ता है, हरियाणा की धरती पर एविएशन कंपनीज करवा पाए। तीन बैठकें थी, एक IOCL का जो गैस प्लांट हिसार रनवे के साथ है उसकी रीलोकेशन की, और गवर्नमेंट ने IOCL को प्रपोजल दिया है कि वो अल्टरनेटिव साइट पे हरियाणा में अपने इस प्लांट को मूव कर ले। और यहाँ पर भी आने वाले समय में जब एविएशन फ्यूल रहेगा तो उन्हीं का प्रोजेक्ट इसको हम अडॉप्ट। हमारे खास पेशकश झरोखा में फिलहाल इतना ही, बाकी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।